हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फोर व्लॉग्स। दिस इज मी योर होस्ट नितिन। तो गाइस, आज करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो पे बात। हो देखो, भागा जा रहा है मेरे हाथ से। तो गाइस, ये है देखो टैंक, और आज करेंगे इस टैंक के ऊपर एक बहुत खास बात। बट वीडियो शुरू करने से पहले, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो आइए शुरू करते हैं। सो गाइस, आ चुका है हमारे पास एक टैंक। देख सकते हैं आप, टैंक की शक्ल है पूरी बाइक का टैंक। बाइक का टैंक, पानी का टैंक मत समझ लीजिएगा। तो क्या करने वाले हम इसके साथ आज? तो आज आपके कुछ सवालों के ऊपर बात करने वाले हैं कि गाइस, ये टैंक पेंट कैसे होगा। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि अगर आपको ज़्यादा स्क्रैचेस हो जाएं, या टैंक खराब हो जाए, या डेंट पड़ जाएं छोटे मोटे, तो आप अपना टैंक अपनी बाइक रॉयल एनफील्ड से पेंट भी करा सकते हैं। जिसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स भी आए मुझे, बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, डीलर्स कह रहे हैं कि नहीं होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए आज करते हैं अमन भाई से फिर से बातचीत, और अमन भाई से ही पूछते हैं कि अमन भाई, ये टैंक पेंट होगा या नहीं। तो ओवर टू यू। देखो, रॉयल एनफील्ड खुद रीपेंट चीज़ें नहीं करते। ओके, अगर आप मेरे पास आते हो कि जी हमें रीपेंट कराना है, ऑब्वियसली हर जगह पे रॉयल एनफील्ड के जो सर्विस सेंटर है उनका एक टाई अप होता है पेंटर्स से। ओके, स्पेसिफिक पेंटर होते हैं। जैसे हमारे गुड़गांव में एक ही पेंटर है जो सब डीलरशिप के लिए पेंट करता है, वो रॉयल एनफील्ड से एफिलिएटेड है, वो रॉयल एनफील्ड का ही पेंट करता आया आज तक। ओके, सब डीलर्स का वो ही पेंट करता है। ओके, और सारे बाइक्स उसी के पास आती है पेंट होने, रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर से। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि पेंट वर्क नहीं होता। रॉयल एनफील्ड कंपनी पेंट वर्क नहीं देती है। ओके, वो बट वो मना भी नहीं करती कि रीपेंट मत कराओ। इफ दे वांट, इफ द कस्टमर्स वांट, सर्विस सेंटर कैन रीपेंट द बाइक फॉर देम, बट इन ओनली द कलर्स व्हिच आर अवेलेबल विद द कंपनी। जो कंपनी के ओरिजिनल कलर्स है उन्हीं में पेंट हो, और आपकी बाइक का जो स्पेसिफिक कलर है उसी में। करेक्ट। तो क्योंकि अब जैसे मेरे एक सब्सक्राइबर थे, तो उनके पास स्टेल्थ ब्लैक है, ठीक है, तो उनकी गाड़ी पे, अब आपको पता है मैट पेंट थोड़ा डिफिकल्ट टू मेंटेन होता है, बिल्कुल, तो उनकी गाड़ी पे आए स्क्रैचेस। आने के बाद उन्होंने सर्विस सेंटर को कांटेक्ट किया कि भैया, मेरे स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और वीडियो भी देखिए नितिन जी की, तो आप ये टैंक पेंट करा दीजिए। तो उन्होंने कहा आप टैंक नया ले लो, हम आपको पेंट नहीं करके दे सकते। अब वो डिपेंड करता है सर्विस सेंटर ने मना क्यों किया। उसका ये रीज़न भी हो सकता है कि उनके पास मैट पेंट करने के लिए पेंटर्स ना हो। ओके, या फिर कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए, बिकॉज देखो एट द एंड थर्ड पार्टी पेंट या थर्ड पार्टी पेंट, जो हमारा वेंडर, जो मेरा स्पेसिफिक वेंडर है, अगर कोई भी टैंक पेंट कराता है, कोई भी बॉडी पर पेंट, उसको साल भर की वारंटी आती है मेरे पास। ओके, साल भर में उसमें पेंट में बबल आ जाए, चिप ऑफ हो जाए, वो खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए साल भर में उस पेंट को, तो मेरा वेंडर वो पेंट वर्क वापस करके देगा। ओके, बट उस वेंडर से आप सिर्फ मेरे थ्रू करा सकते हो काम। हाँ, क्योंकि वो रॉयल एनफील्ड का ही काम करता है। तो अब अगला सवाल है कि अब जैसे वेंडर ने, सर्विस सेंटर ने अब्रप्टली मना कर दिया कि हम पेंट नहीं करेंगे, अब मान लीजिए मेरी बाइक का एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में बहुत छोटा सा एक टिंच लग गया मेरे, टिंच नहीं, सोचो आपका टैंक है, हाँ, कि बाइक गिरी, यहाँ पे डेंट की वजह से सिर्फ स्कफ आ गया, अच्छा खासा स्कफ, पूरा छिल गया टैंक का, हाँ। अब मुझे, क्योंकि अब टैंक डैमेज नहीं हुआ है, तो इंश्योरेंस तो मुझे क्लेम देगा नहीं नए टैंक के लिए, नया टैंक तो आई थिंक 13-14 हज़ार रुपये का आता है, बिल्कुल, तो अब इंश्योरेंस मुझे कह रहा है पेंट करा लो, रिपेयर देगा वो, रिपेयर देगा, तो अगर हम करते नहीं पेंट, तो फिर रिपेयर कैसे होगा? रिपेयर ही होगा, वो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, राइट, यस, बिल्कुल रिपेयर होगा सर, कंपनी मना नहीं करती कि अब रिपेयर मत कराओ,
क्योंकि आप गाड़ी भी खरीदते हो, कार खरीदते हो, तो बॉडी पेंट शॉप होती है, गाड़ी लग गई तो आप जाते हो। देखो वो अलग चीज है, बिकॉज उनकी बॉडी पेंट शॉप्स सर्विस सेंटर के अंदर अंदर भी नहीं, अंदर भी होती है, बाहर भी होती है, दोनों तरीके कई, बट मैक्सिमम जगह मैंने अंदर ही देखी है टू फोर व्हीलर्स में, बिकॉज उनके पास बॉडी पैनल्स बहुत सारे पेंटेड बार दिन के 5-6 होते हैं। हाँ तो गाइज आज क्लैरिटी अमन भाई दे रहे हैं पूरी इसके ऊपर कि कौन कौन से पार्ट पेंट हो सकते हैं, कौन कौन से पार्ट पेंट नहीं हो सकते हैं और कब कहाँ कैसे हो सकते हैं, तो आज सब कुछ क्लियर कर दो प्लीज। देखो पेंटेड पार्ट्स डिपेंड करता है हर मॉडल के, अलग अलग होते हैं। अगर मीटियोर की बात की जाए, सिर्फ मीटियोर की, मीटियोर में जो हमारा बेस वेरियंट है फायरबॉल वेरियंट, उसमें जो हमारे पेंटेड पार्ट्स आते हैं वो बहुत लिमिटेड पार्ट्स हैं। जैसे मेन हो गया हमारा टैंक। अब देखो मीटियोर का जो हमारा बेस वेरिएंट है जो है हमारा फायरबॉल वेरिएंट, इसमें से अब मीटियोर में हमारे पेंटेड पार्ट्स क्या है, टैंक, साइड पैनल्स, आगे पीछे के मडगार्ड। राइट, आगे का मडगार्ड तो प्लास्टिक है, साइड पैनल दोनों प्लास्टिक है, तो वो तो रिप्लेस ही होते हैं, अगर गिरेंगे टूटेंगे तो रिप्लेस ही हो जाएंगे। बचा टैंक और पिछला मडगार्ड, रिपेंट हो जाता है, रिपेयर हो जाएगा, रिपेंट रिप्लेस। अच्छा एक चीज और, अब जैसे मान लीजिए पेंट तो मैंने करा लिया गाड़ी पे, अब जैसे लोगो देखिए, जैसे इस पे ऊपर रॉयल एनफील्ड का लोगो लगा हुआ है, तो अब ये लोगो क्या हमें कंपनी से मिल जाते हैं? बिल्कुल मिलते हैं, बिल्कुल मिल जाते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, हर एक स्टिकर, हर एक लोगो, सब आता है, सारी चीज अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। सो गाइज दैट क्लियरली मेक्स इट वेरी वेल विजिबल कि अगर आप पार्ट पेंट कराओगे तो ऑब्वियसली ये एम्बलम एक टैंक है जो कभी भी पेंट नहीं होता। कौन सा? क्रोम। क्रोम पेंट नहीं होता, क्रोम रिपेयर नहीं होता, क्रोम हमेशा नया ही आएगा, चाहे क्रोम तो है। क्योंकि वो क्रोम प्लेटिंग है ना, वो प्लेटिंग है, दैट्स नॉट पेंट, दैट्स प्लेटिंग। राइट राइट, तो क्रोम हमेशा हर सर्विस सेंटर नया ही देगा, क्रोम नया ही देगा, चाहे वो क्रोम का टैंक हो, क्रोम का मडगार्ड हो, क्रोम की कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, क्योंकि क्रोम की प्लेटिंग नहीं हो पाती है, नहीं होती। इफ यू वांट कि आपको भैया क्रोम को ब्लैक करना है, वो अलग बात हो जाती है, वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, लेकिन क्रोम कभी भी रिपेयर नहीं होता। लेकिन आपके जितने भी साइड एम्बलम्स हैं, स्टिकर्स हैं और जितने भी डिकल्स हैं, सब ये सारी चीज आपको मिल जाएंगी, सब कुछ। सो गाइज उम्मीद करते हैं आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सो दिस इज मी नितिन, विवेक एंड अमन भाई साइनिंग ऑफ फ्रॉम फोर व्लॉग्स फॉर द डे। मिलेंगे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। Till then, stay tuned, stay safe, stay secure. Goodbye.